सुग्रह होने के बाद में अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आए, सुग्रह होने के बाद में अगर गुरु तत्व समझ में ना आए, सुग्रह होने के बाद में जीवन की बुराई ना छूटे, सुग्रह होने के बाद में गुरु महाराज के नियमों पर न चले, सुग्रह होने के बाद में आत्मा परमात्मा ब्रह्म जीव के भेद को न जान सके और सुग्रह होने के बाद में सत्य धर्म को न पहचान सके तो सुग्रे हुए ही नहीं। जांबा और कुंभा द्वैत नहीं है, अद्वैत है। आत्म रूप में देखे तो जांबू जी ने क्या कहा, जांबू जी तो कुंभों जी वाली बात पहले बहुत कह करके वो चले गए। जांबू जी ने क्या कहा, थारी मारी एका ज्योति, तेरी और मेरी ज्योत तो एक है, उसको पकड़। कुंभो जी ने पकड़ लिया था उस ज्योत को, ऐसी रचना करके चले गए। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी ऐसे मन से सुनो, और सुन करके जांबो जी ने जो बात कही है, पढ़ते तो रोज है लेकिन पहचाना नहीं है तो काम नहीं बनेगा। अगर सुग्रह होने के बाद में, मैं कह रहा ना जांबू जी ने गुरु शब्द बताया है, सुग्रह होने के बाद में गुरु के वचनों को मान लिया जाए। सुग्रह मंत्र में लिखा है कि जो कोई सुमरे उतरे पार, बहुरी ने आवे मेली धार, मेली धार। सुग्रे तो हो गए लेकिन गुरु का अर्थ जाना। कई लोग मने महाराज माफ कर जो अगर बुरो लागे तो दौड़ ले जान के थोड़ा हुगरू कर दियो गए। अब हुगरू करी ऊं तो है कौन के भाई लेप लगा दियो और बदल गयो। इन महाराज थोड़ा हुगरू कर दो तो समय नहीं है, कथा में जाना है, जागरण में हम निकल दे तो कथा में जाना तो बस कितो टाइम लगे, कान में मंत्र फूंक दो नहीं गए। सुग्रह होने के बाद में अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आए, सुग्रह होने के बाद में अगर गुरु तत्व समझ में ना आए, सुग्रह होने के बाद में जीवन की बुराई ना छूटे, सुग्रह होने के बाद में गुरु महाराज के नियमों पर न चले, सुग्रह होने के बाद में आत्मा परमात्मा ब्रह्म जीव के भेद को न जान सके और सुग्रह होने के बाद में सत्य धर्म को न पहचान सके तो सुग्रे हुए ही नहीं। केवल हो रुपया दे दिया के, 10 रुपया दे चढ़ान के महाराज में तो हुगरा हो गया ना, वो सुग्रे की बातें नहीं है, वो मूर्खता है। सुग्रा तो गुरु वचनों पर अडिग रहने वाला होता है कि गुरु ने कहा था, क्या कहा गुरु ने, गुरु ने कहा था कि सूर्य उदय से पहले पहले स्नान कर ले, गुरु ने कहा था दोनों काल संध्या।